हे गाइस, वेलकम टू एमिनेंट ऑटोमोटिव। तो हमारे पास आई थी टोयोटा की हाई क्रॉस कार, जिसके अंदर ऑलरेडी सीट कवर स्टीयरिंग क्लाइंट ने कई और से करवाए थे, लेकिन क्लाइंट बहुत डिससेटिस्फाइड थे इस काम से। और जैसे कि आप देख सकते हैं कितने रिंकल है, कितनी लूज फिटिंग है, कितना बेकार काम हो रखा है इस गाड़ी के अंदर। और अब हम इसमें करेंगे अपना एमिनेंट का जादू। सो लेट्स हैव अ लुक टू आवर वर्क। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक और टोयोटा हाई क्रॉस। इसके अंदर जो इंटीरियर हमने करा है वो कैमल इंटीरियर करा है। नॉर्मली जो स्टॉक इंटीरियर आता है वो हमारा चॉकलेट कलर का आता है, लेकिन हमने इस तरह कुछ नया इंटीरियर करा है ताकि आपको भी समझ आए। और मोस्टली ये कलर आपको पोर्शे वगैरह या लग्जरी कार में आता है, तो आज हमने ये टोयोटा की हाई क्रॉस करने करा। तो लेट्स हैव अ लुक। तो स्टार्ट करते हैं डोर की तरफ। डोर पैनल जो इसके आते हैं वो इसके स्टॉक में आपके कॉफ़ी कलर आते हैं, तो हमने इसके अंदर जो है कैमल कलर करा है। कैमल कलर के साथ में हमने इसके डोर के जो पावर विंडो के स्विच बटन ले गया था, इसको हाइड्रो डिप कराया है हमने। ब्लैक और सिल्वर में हाइड्रो डिपिंग करी है, थोड़ी इससे हाइड्रो डिपिंग से भी लुक थोड़ी एनहांस होती है। और अब आ जाइए डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड की जो है हमारा यार पूरा पोर्शन हमारा कॉफ़ी में आता है। ये तीन पार्ट होते हैं लेदर के, तो हमने इसके अंदर जो करे हैं ये हमने कैमल कलर के अंदर करे हैं। और फिटिंग एंड फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से आई है। बिल्कुल OEM लुक, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर हमने काम रख करा है इसके अंदर, क्योंकि हाई क्रॉस जो है वो अपनी लग्जरी और प्रीमियमनेस के लिए जानी जाती है, थोड़ी सिंपलिसिटी के लिए जानी जाती है। इस चक्कर हमने इसमें सिंपल काम करा है और विद कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि लुक बहुत एनहांस हो रही है। साथ में आपकी AC वेंट के अंदर भी हमने कार्बन फिनिश करी है, हाइड्रो टिपिंग करी है, प्लस जो ये स्टीरियो पैनल है और ये जो सेंटर कंसोल है इस पर भी हमने हाइड्रो टिपिंग करी है ब्लैक और सिल्वर की। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में रखा है हल्का सा, और थोड़ा सा मैचिंग भी रखा है सिल्वर के साथ। तो ओवरऑल लुक हाइड्रो टिपिंग की बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि बिल्कुल जो इस मॉडल में ये जो पूरा था ब्लैक एरिया था, जब ब्लैक एरिया होता है बहुत बेकार लुक आती है। थोड़ी हाइड्रो टिपिंग से थोड़ी ग्लॉस भी एनहांस होती है और लुक भी अच्छी आती है। प्लस ये वाला डैशबोर्ड का पार्ट और इधर वाला डैशबोर्ड का पार्ट भी हमारा पूरा लेदर रैप है। और अब आ जाइए स्टीयरिंग की तरफ। स्टीयरिंग आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर स्टीयरिंग कर रहा है नॉर्मल डिज़ाइन से हटके। और इसके भी लुक और फिनिशिंग आप चेकआउट करिए कितनी OEM लुक आ रही है, और लगता ही बढ़िया है। प्लस ये घूमेगा भी नहीं, नॉर्मल स्टीयरिंग लगाते हैं वो पूरा घूम जाता है। और ये क्रॉस स्टिचिंग वाला स्टीयरिंग है, सिंगल स्टिचिंग वाला नहीं है। नॉर्मली मार्केट में अगर आप स्टीयरिंग रैप करवाते हैं तो सिंगल स्टिचिंग में आता है, तो ये क्रॉस स्टिचिंग में है। तो इसकी फिटिंग एंड फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया है ये। तो अब हम आपको लेके चलते हैं सीट कवर्स की तरफ। तो सीट कवर की आप फिटिंग एंड फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं कितनी स्टनिंग लुक इसकी आ रही है। एक एक चीज़ परफेक्ट है, OEM फिनिशिंग के साथ है। फिटिंग जो है ये बकेट फिटिंग से ऊपर फिटिंग करते हैं, फिक्स फिटिंग उसमें करा है कि साइड में हमारे इधर कोई रिंकल नहीं मिलेगा। नॉर्मली यहाँ पे सीट कवर्स में आपको रिंकल मिलते हैं, तो ये बिल्कुल OEM लुक के अंदर आती है। इसके अंदर आपको कोई भी डोरी इलास्टिक का यूज़ नहीं होता, सब इसका OEM इंस्टॉलेशन होती है, जो हमारे सोते सीट कवर की इंस्टॉलेशन होती है। डिज़ाइन भी हमने इसका सिंपल एंड एलिगेंट रखा है, जिस चक्कर में इसकी लुक बहुत ही बढ़िया आ रही है। प्लस ये जो सेंटर कंसोल है इसके अंदर भी हमने फोमिंग डाल के थोड़ी इसमें कुशनिंग ऐड ऑन करी है। नॉर्मली ये स्टॉक में बिल्कुल प्लेन ब्लैक आता है। अब हम लेके चलते हैं आपको बैक रो की तरफ। तो ये कार का बैक रो है, बैक रो में भी सेम जैसे आगे कॉम्बिनेशन था वैसे ही हमने पीछे कॉम्बिनेशन करा, सिंपल एलिगेंट लुक। ये कैप्टन सीट है, तो कैप्टन सीट होने के बाद कार की लुक वगैरह आप देख सकते हैं, इवन आर्मरेस्ट की फिटिंग वगैरह देख सकते हैं। और इस वाले सीट की भी आप फिटिंग आप देखिए कितनी परफेक्ट अच्छे से हमने फिटिंग कर रखी है इसके अंदर। मतलब कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा इस गाड़ी के अंदर ये आफ्टर मार्केट काम है, सब OEM लुक में काम मिलेगा। और लास्ट रो की भी लुक आपको हम दिखाते हैं, चेकआउट की दिखाते हैं कैसी लुक आई है लास्ट रो की। ये हमारा लास्ट रो की लुक है, तो लास्ट रो की भी लुक और फिनिशिंग और फिटिंग आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आई है। और इस मिडिल रो की बैक साइड की भी फिटिंग और फिनिशिंग दिखा दो एक बारी। ये मिडिल रो के बैक रो की फिटिंग देखिए आप कितनी बढ़िया आई है। और अब हम आपको डिग्गी की फिटिंग दिखाते हैं। ये हमारी डिग्गी की फिटिंग है। नॉर्मली यहाँ पे लोगों की डोरी इलास्टिक होती है या लेदर होता है, हमने पूरा OEM फिनिश में काम करा है। जैसे OEM में आता है सेम वैसे ही आपको फिटिंग एंड फिनिश मिलेगी। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी में काम करवाना चाहते हैं, कोई भी कार इंटीरियर हो या अपोल्स्ट्री हो, या अगर आप हमसे बहुत दूर है और घर पे सीट कवर चाहते हैं तो बाइक को ही डिलीवर हो जाएगा। एमिनेंट जाना जाता है अपनी क्वालिटी और फिनिशिंग के लिए। तो अगर आप भी अच्छे सीट कवर प्रीमियम सीट कवर करवाना चाहते हैं अपनी कॉलेज
वीडियो अच्छी हमारी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बुरी लगी तो नीचे कमेंट करके बताओ ताकि हम अगले उस पर आपको इम्प्रूवमेंट करें। कॉस्टिंग हर कार की अलग अलग होती है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग होती है, तो आप हमें कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं कॉस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे ट्यून्ड।